नमस्कार सभी आंगनबाड़ी बहनों का बहुत बहुत स्वागत है ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबा लीजिए, शाम की तमाम खबरें आ रही हैं। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। बहुत सारी खबरें हैं, सिलसिले बाद देखिए। पहली खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है। एक पत्र जारी हुआ है जिला कार्यक्रम अधिकारी लखनऊ की ओर से, इन्होंने बाल विकास परियोजना अधिकारियों को भेजा है। पत्र में क्या लिखा है पहले इसको आपको बता देते हैं। पत्र में कहा गया है कि बाल विकास पुरस्कार उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक संख्या के अनुसार 22/9/2020 और दिनांक 10/3/2020 का संदर्भ लेते हुए PFMS पोर्टल और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मिनी कार्यकर्ती सहायिकाओं की जन्मतिथि और आधार संख्या का 100% फीड कराने के डायरेक्शन दिए गए। आपको बता दें जन्मतिथि से ये डिसाइड होगा कि कौन आंगनबाड़ी कर्मी जो है 62 साल की आयु पूरी कर चुकी है। आपको बता दें पहले जो है आंगनबाड़ी कर्मियों की जन्मतिथि को सही तरीके से फीड नहीं किया जाता था या फिर डाटा विभाग के पास नहीं होता था, इस कारण से आंगनबाड़ी कर्मी 65 साल तक जो है नौकरी कर पाती थी। अब बता दें सभी लगातार विभागों को ऊपर से आदेश दिए जा रहे हैं जनपद भाई आंगनबाड़ी विभागों को कि डाटा फीड करें, जन्मतिथि फीड करें, आधार संख्या फीड करें, ताकि जो है सही तरीके से प्रमाणित हो सके कौन आंगनबाड़ी कर्मी कितने साल की हो गई है। आपको बता दें इस मामले में लखनऊ के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने निर्देशित कर दिया है कि PFMS पोर्टल पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री मिनी और सहायिकाओं की जन्मतिथि आधार संख्या के साथ जो है फीड कराई जाए, और अगर लापरवाही की जाती है तो कार्रवाई जो है होगी। और साथ ही ये कहा है कि भविष्य में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो इसके लिए जो है आधार का संख्या और जन्मतिथि जो है फीड कराए, इसका आदेश जो है लखनऊ से आ चुका है। चलिए अब दूसरी बड़ी खबर आपको बताते दोस्तों। अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो ट्रेडिंग का ऑप्शन बहुत अच्छा है। ओलंपिया ट्रेड के माध्यम से आप ऑनलाइन पैसे कमा सकती हैं। इसको कमाने के लिए आपको लॉगिन करना होगा, पहले आप साइनअप कर लीजिए। साइनअप करने के बाद आपको जो है जब अकाउंट बन जाए तो लॉगिन करना पड़ेगा। दरअसल एक ट्रेडिंग ऐप है और ट्रेडिंग में आपको ये बताना पड़ता है कि किस तरीके से ग्राफ ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। ये देखिएगा कमेंट बॉक्स, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। लिंक पर क्लिक करते ही जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे आपको जो है डॉलर मिल जाएंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें बोला माइजो सपोर्ट पर जाकर आप इनसे सपोर्ट भी हासिल कर सकते हैं और आप सीधे अपना पैसा जो है बैंक अकाउंट में मंगवा सकते हैं। सीधे सीधे तौर पर बैंक अकाउंट में आ जाएगा। आप देख रहे हैं बैंक अकाउंट में पैसा तो आया हुआ है। में दी हुई लिंक को फॉलो करें और आप भी आज ही से कमाएं। देखिए उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से, यहाँ पर प्री स्कूल किट में भ्रष्टाचार हो गया। देखिए किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है पहले खबर बताते हैं। आजमगढ़ से ये खबर है, बाल विकास पुष्टाहार विभाग की ओर से बच्चों को दी जाने वाली प्री स्कूल किट में भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है। गुणवत्ताहीन किट उपलब्ध कराने के साथ ही कई आंगनबाड़ी केंद्रों पर किट ना पहुँचने का भी आरोप है। देखिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले 3 से 6 साल तक उम्र तक के बच्चों को प्ले स्कूल के तौर पर पढ़ाई के साथ साथ खेल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्री स्कूल किट दिए जाने की योजना काफ़ी पहले शुरू हो गई थी। अब आरोप लग रहा है कि विभाग इसमें धांधली कर गुणवत्ताहीन किट उपलब्ध करा रहा है। कुछ ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र जहां बच्चों को खेल और शिक्षा सामग्री नहीं मिल रही है। आप कमेंट में बताइए कि आपके क्षेत्र में शिक्षा सामग्री, खेल का सामान मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा। निश्चित तौर पर एक बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। आपको बता दें इस साल भी अब तक प्री स्कूल किट का वितरण नहीं हो पाया। सूत्रों के अनुसार प्री स्कूल किट में भी लाखों रुपये की धांधली की गई है। यानी कि जो सामान शासन की ओर से बच्चों तक बांटने के लिए आता है वो सामान जो है नहीं दिया जा रहा है और निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार हो रहा है बड़े पैमाने पर। आपको बता दें प्री स्कूल किट लगातार बच्चों को देने के लिए सामान आता रहा है, ऐसा नहीं है कि पहली बार आ रहा हो, लगातार आता रहा है। लेकिन आपको बता दें भ्रष्टाचार लगातार हो रहा है। जो सामान आना चाहिए, बच्चों को मिलना चाहिए, वो अधिकारी के जेब में पैसों के रूप में जा रहा है। आपको बता दें CDPO ने किट दिखाने से इनकार किया। विकासखंड अहरोला के अंतर्गत कुल 238 आंगनबाड़ी केंद्र बनाए गए लेकिन बच्चों को अब तक प्री स्कूल किट उपलब्ध नहीं कराई गई। बाल विकास पुरस्कार अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि टेंडर जिले से ही हुआ था, 223 प्री स्कूल किट उपलब्ध कराई गई है। अभी 1 या 2 दिन पहले ही मिली है। जब उनसे प्री स्कूल किट दिखाने के लिए कहा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि विभाग द्वारा घटिया सामग्री उपलब्ध कराई जाती है और इसी के चलते हमें अपने पैसे से सामग्री दोबारा खरीदनी पड़ती है। अब ऐसे में आंगनबाड़ी कर्मियों की यहाँ पर क्या गलती है, क्योंकि विभाग जो है किट ही नहीं दे रहा। जो किट आनी चाहिए, जो मिलनी चाहिए, वो नहीं दे रहा है। ऊपर से अगर दिखाने की बात कही जाती है तो दिखाने से भी इनकार कर रहा है। आपको बता दें इस मामले पर मनोज मौर्य ने जिला कार्यक्रम अधिकारी ये कह रहे हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ाई करने वाले करीब 4,61,000 बच्चों को प्री स्कूल किट का वितरण कर दिया गया है और कुछ को नहीं मिले होंगे तो उन्हें वितरित कर दिया जाएगा। जहां तक रही बात प्री स्कूल किट की गुणवत्ता इन्होंने की तो इसकी भी जांच कराई जाएगी। यानी कि रटा बयान दे दिया, अपने आंकड़े बता रहे हैं कि 4 लाख से ज़्यादा बच्चों को जो इन्होंने स्कूल किट वितरण कर दी है। आपको बता दें विभाग का दावा है कि बच्चों को स्कूल किट वितरण कर दिए गए, जबकि महाराजगंज के बाल विकास पुरस्कार कार्यालय के नीचे खुले बक्से में बच्चों की प्री स्कूल किट रखी है, जहां गुणवत्ताहीन बक्से में 4 स्लेट 1 डब्बा चौक कैलेंडर चित्र फलों और जानवरों के पोस्टर स्केच पेन और कैची भी रखे। अब देखिए अधिकारी कुछ भी कहें, खाना पूर्ति करते हैं, उनका तो काम होता है कभी गलत शब्द ना कहें, बस अच्छा अच्छा कहते रहें और अच्छा अच्छा छपता रहे। लेकिन सच्चाई क्या है कि जो प्री स्कूल किट आंगनबाड़ी केंद्रों तक नहीं पहुंची। आप बताइए आपके पास प्री स्कूल किट पहुंची है या फिर नहीं पहुंची, तो कमेंट में जनपद का नाम लिखें। चलिए देखिए
दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक खबर कुछ दिन पुरानी है लेकिन महत्वपूर्ण खबर है, इसी कारण से हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ के विधायक हैं विजय कुमार राजभर, इन्होंने जो है आपको बता दें स्वाति सिंह बाल विकास मंत्री हैं, इनको एक पत्र भेजा है और आपको बता दें इस पत्र में इन्होंने मांग की है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पद से सुपरवाइजर मुख्य सेविका के पद पर जो है प्रमोशन किया जाए, क्योंकि आपको मालूम यह प्रक्रिया काफ़ी समय से विचाराधीन है लेकिन अभी तक ये फैसला हो ही नहीं पाया। इसी वजह से आंगनबाड़ी कर्मियों में आक्रोश है क्योंकि उनका समय उनकी उम्र जो है बीतती चली जा रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि प्रमोशन कब तक होगा। विधायक ने देखिए पत्र में क्या कहा है कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार से निवेदन किया है कि प्रार्थनी सगुप्ता खातून पत्नी हसीन अहमद यहाँ की जनपद मऊ की मूल निवासी है और आपको बता दें आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर 2008 से जो है काम कर रही है और 2021 को 13 साल पूरे कर लिए हैं, आयु सीमा भी 50 साल से कम है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पद से सुपरवाइजर मुख्य सेविका के पद पर पदोन्नति हेतु वर्तमान समय में वह पात्र है। देखिए आपको बता दें आंगनबाड़ी कर्मी जो होते हैं कार्यकर्ता, इनको सुपरवाइजर के प्रमोशन के लिए कुछ मापदंड रखे गए हैं, वही मापदंड का उल्लेख इस पत्र में देखा जा रहा है। मापदंड क्या है पहले आपको बता देते हैं कि 50 साल से कम आयु होना चाहिए और 10 साल कम से कम सेवा की होनी चाहिए और कुछ जो है मेरिट है जो अंक के आधार पर भी जो है तय होगा। और इसी को लेकर जो है यहाँ पत्र में भी स्पष्ट लिखा है कि यह महिला 13 साल भी पूरा कर चुकी है और 50 साल से भी कम आयु की है। अब प्रार्थनी के बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनकी उचित शिक्षा दीक्षा प्रबंध करने में कड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए राज्य मंत्री से निवेदन किया गया है कि इस महिला को जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पद से सुपरवाइजर के पद पर प्रोन्नत की जाए। देखिए अब इस पत्र में जो मांग की गई है बिल्कुल जायज़ मांग है और उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक बहन ऐसी नहीं बल्कि हजारों बहनें ऐसी हैं जो आज भी इंतजार कर रही हैं। अगर आप भी ये सब मानक पूरा करते हो तो कमेंट में बताइए, हाँ मैं भी मानक पूरा करती हूँ, कमेंट में आप जरूर बताइए, क्योंकि बहुत सारी आंगनबाड़ी कर्मी जो आज भी सुपरवाइजर मुख्य सेविका के प्रमोशन के लिए तत्पर हैं। और लगातार जब मैं लाइव आता हूँ तो आप सभी लोग पूछते हैं और लगातार संगठन द्वारा भी जो है आपको बता दें पत्र प्रेषित किया गया लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, विभाग हीला हवाली बढ़ते हुए। और इसी के साथ ही आपसे अनुरोध रहेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबा लीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए, रोजाना आपको अपडेट मिलती रहेगी और 12 बजे तो रोजाना आप आइए क्योंकि 12 बजे हम लाइव आते हैं, लाइव में आपके सवालों का जवाब देते हैं, लाइव में हम आते हैं लेकिन आप लोगों के जो कमेंट होते हैं उसमें ही पढ़ते हैं। तो रोजाना दोपहर 12 बजे हमारे साथ जरूर जुड़िए। चलिए अगली खबर आपको बताते हैं, इस ऑडियो को सुनिए आप किस तरीके से जो है आंगनबाड़ी कर्मियों को फ़ोन करके जो है ठग अपना शिकार बना रहे हैं। जिला कार्यालय से टीकाकरण कराने के लिए सरकारी है, समझे ना, आप बड़ा मोबाइल चलाते हैं? नहीं नहीं चलाते हैं, आपको कोई नहीं चलाते हैं बड़ा मोबाइल घर में? नहीं, छोटा मोबाइल चलाते हैं। ओ किन्हीं को देखिए, बड़ा मोबाइल नहीं तो हो जाएगा, वेरिफिकेशन कराने के बाद आपको अकाउंट में 2850 पे जाएगा, समझे ना। अच्छा तो किन्हीं को देखिए बड़ा मोबाइल है। ठीक है, हमारे घर तो किसी का है नहीं, अब किसी का मांगना पड़ेगा। तो मांगिए, समझे ना, मांगिए समझे। सीरियल वाइज से वेरिफिकेशन किया जा रहा है, समझे ना। अच्छा तो मांगिए और करवाइए, समझे ना। ग्राम पंचायत वाला मैंने काम किए थे आप? नहीं, सब प्रधान वाला मिस्त्री था आई जो है। हाँ, विधायकी वाला है। ओ हाँ, समझे ना, किन्हीं को बोला के बड़ा मोबाइल के अपने घरे में वेरिफिकेशन करना है ऑनलाइन, समझे ना। ठीक है, तो देखिए लाइने पर रहते हैं, कोई बड़ा मोबाइल चलाते हैं बुलाइए, समझे ना। अब देखना पड़ेगा, आएंगे हमारे हस्बैंड तो उनसे हम पूछेंगे, बुलाएंगे। वो तो बड़ा मॉल चलाते हैं आपका? नहीं, वो भी नहीं चलाते हैं, वो भी छोटा चलाते हैं। ओहो, तो कैसे होगा मैडम बताइए, फिर कहिएगा कि सर वेरिफिकेशन नहीं हुआ, मेरे पास पैसा नहीं पहुँचे, तब भी ये लोग पैसा आज करवा रहे हैं कल तक पैसा जा रहा है, समझे ना। अच्छा ठीक है, हम कल ऑफिस पे जा करके हम करा लेंगे। कहाँ जाके मैडम? अपने ऑफिस पे, महाराजगंज। महाराजगंज जाना नहीं है आपको, समझे ना, परेशान क्यों हो रहे हैं, अपने घर में ऑनलाइन मोबाइल बड़ा चला रहे हैं किन्हीं को, तो ये कर दे, समझे ना। आप पैन कार्ड बनाए हैं ना? हाँ, पैन कार्ड बना है। हाँ तो उसी से हो जाएगा, समझे ना। ठीक है, तो ठीक है, तो किन्हीं को देखिए जल्दी, समझे ना। अभी हमारे हस्बैंड घर काम करने आएंगे तब ना जाएंगे, हम कहीं जाते नहीं है बाहर। आप नहीं जाते हैं बाहर? नहीं, अभी हम कहीं जाते नहीं, केवल स्कूल से घर, घर से ऑफिस से, बस यहीं पर रहते हैं। अब वो आएंगे तब ना। अब बोलिए कैसे होगा,
अब आएंगे तभी होगा ना। मान लीजिए कह रहे हैं ना आपका पेंडिंग में डाल देते हैं। ठीक है अगली खबर आपको बता देते जाते जाते। देखिए इस खबर को शेयर जरूर कर दीजिए आप लोग, सभी बहुत महत्वपूर्ण खबरें थी इसी कारण से हमने आपको दी, वरना लाइव में ही सभी खबरें देते तो कल फिर अन्य खबरें होंगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें उत्तर प्रदेश की सीतापुर में वैकेंसी की अपडेट हो चुकी है। सीतापुर नया जनपद जुड़ गया, यहाँ पर 447 जो है कार्यकर्ता के, 92 जो है मिनी के, और 8 और आपको बता दें कुछ 500 के करीब जो है सहायिकाओं की वैकेंसी है। और बहुत ही जल्दी ये वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगी। ये अखबार की कटिंग आप देख रहे हैं अभी फिलहाल, वेबसाइट पर जब मैं आपको खबर दे रहा हूँ तो अपलोड नहीं हुई है। और पात्रता बताई गई है, क्या क्या इसमें पात्रता होनी चाहिए वो हम आपको बता चुके हैं। अगर आपने अभी तक उस खबर को नहीं देखा तो कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, तो उस खबर को चेक कर लीजिए, उसमें सब कुछ हमने आपको डिटेल में बताया है। तो सीतापुर जनपद से बड़ी अच्छी खबर निकल कर आ रही है, यहाँ के जिला कार्यक्रम अधिकारी जो है राज कपूर, इनके द्वारा देखी विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया गया है कि पूरी प्रक्रिया जो है ऑनलाइन होगी और अखबार में निकलवा कर दिखाया गया है कि किस तरीके से आंगनबाड़ियों को आवेदन करना है विभाग में और कहां कहां परियोजना, किन कौन परियोजना में कितनी वैकेंसी निकली है, इसके बारे में भी उल्लेखित किया गया है। मन में कोई सवाल है, डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए अपडेट पर। नमस्कार।